गिने चुने दस लोग, गिने चुने दस लोग जो कभी गैंगवार में थे, जो कभी मर्डर के आरोपी थे, जो कभी चरस गांजा में पकड़े गए थे, जिनके बाप ने 20,000 रुपये खाए इसलिए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, ऐसे जो 10 लोग, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां देता हूँ और देता रहूंगा। जितेंद्र आवाड़ ने कब्रिस्तान में घोटाला किया, जितेंद्र आवाड़ ने कब्रिस्तान में पैसा खाया, जितेंद्र आवाड़ ने कब्रिस्तान में घोटाला किया, जितेंद्र आवाड़ ने कब्रिस्तान में पैसा खाया, तो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि वो हरामजादों के औलाद है। कब्रिस्तान लूट लिया, आज बोल रहा हूँ कि आने वाले 1 महीने में स्लॉटर हाउस के लिए 10 करोड़ रुपये लेके आऊँगा। स्लॉटर हाउस 10 करोड़, आने वाला हाउस उसके लिए 30 करोड़। मैं हूँ इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कब्रिस्तान को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, यहां तक कि लीगल कब्रिस्तान की मांग को लेकर मुंब्रा शहर बंद भी रहा। कब्रिस्तान के मुद्दे पर मोर्चे भी निकाले गए, लीगल कब्रिस्तान के लिए कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया गया। दरअसल यहां के आमदार जितेंद्र आवाड़ और मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल पर कब्रिस्तान को लेकर पैसे खाने का आरोप लगते रहे हैं। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यूडी ने जो कब्रिस्तान के लिए जिस जमीन की मंजूरी दी थी सर्वे नंबर 107 पर, कब्रिस्तान वहां ना देकर जो स्लॉटर हाउस के लिए सर्वे नंबर 55, 56, 57 है वहां कब्रिस्तान बनाकर देने की बात सामने आई, जिसके बाद जितेंद्र आवाड़ और मनपा कमिश्नर संजीव जायसवाल पर विरोधियों की उंगली उठने लगी और इन बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। विरोधियों ने यह आरोप लगाया कि आमदार और मनपा कमिश्नर ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए इनसे पैसे लिए और लगातार सोशल मीडिया पर विरोधियों ने इसी तरह के आरोप आमदार और मनपा कमिश्नर पर लगाया। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी आमदार आवाड़ पर अभद्र टिप्पणी भी की गई, लोगों ने कब्रिस्तान चोर के नारे भी मोर्चे में लगाए, मगर इन सब के बावजूद आमदार ने इसी स्लॉटर हाउस की जगह पर कल यानी 10 फरवरी को कब्रिस्तान बनाकर आमदार ने सौंप दिया। 10 फरवरी को इस कब्रिस्तान में मैयत दफन करने के लिए खोल दिया गया और इस कब्रिस्तान में मैयत दफन भी की गई। इस दौरान कब्रिस्तान पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। इस कब्रिस्तान पर आमदार जितेंद्र आवाड़ भी आए। आमदार ने कब्रिस्तान पर कहा, सिर्फ 10 लोग हैं जो मुझे 2 साल से मेरे परिवार और मुझे गाली दे रहे हैं, मगर अब चुप नहीं रहूंगा। आपको बता दें कि आमदार जितेंद्र आवाड़ ने कब्रिस्तान पर पहुंचने के बाद क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। वो हमको कहता है कि जितेंद्र आवाड़ और कमिश्नर ने कब्रिस्तान में पैसे खाए, अरे हमें हमारी नस्ल में वो गंदा खून नहीं है। और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे से ये अल्फाज में बात की कि जितेंद्र आवाड़ ने कब्रिस्तान में घोटाला किया, जितेंद्र आवाड़ ने कब्रिस्तान में पैसा खाया, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिस माँ ने अपनी भरी जिंदगी में भाजी बेचकर तरकारी बेचकर मुझे पढ़ाया है। मेरे बाप ने हमाली किए, उस बाप का बेटा हूँ मैं। ये ऐसे पैसे मेरे खून गंदे, मेरे अंग में गंदा खून नहीं है। और इसीलिए उन्हीं लोगों को मैं आज भी बोल रहा हूँ कि वो हरामजादों के औलाद है। यहाँ पे जो कौम रहती है वो कौम, उस आवाम की सेवा में मैंने काम किया और वो कौम तारीफ कर रही है, वो कौम बोल रही है कि बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन ये 10 हरामजादे, ये 10 हरामजादे जो मुझे मेरे कमिश्नर को पैसे खाए, माँ बहन के ऊपर से गाली देते रहे, कब्रिस्तान लूट लिया, आज बोल रहा हूँ कि आने वाले 1 महीने में स्लॉटर हाउस के लिए 10 करोड़ रुपये लेके आऊँगा। स्लॉटर हाउस 10 करोड़, आने वाला हज हाउस उसके लिए 30 करोड़, ये भी बनाऊँगा क्योंकि अल्लाह मुझे जरिया बना रहा है। आप नहीं कुछ बना रहे मुझे, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो मेरे। ये व्हाट्सअप चला सकते हो जिंदगी भर, आज तड़पते रहो घर में, 1000 का मजमा था यहाँ पे एक दफन विधि पे। आज जब ये दफा लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कौसा कब्रिस्तान 10 बार यहाँ पे बिठाओ और अमृतनगर 10 बार यहाँ पे बिठाओ तो उससे बड़ा कब्रिस्तान है। और क्या चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। मैं अगर भिखारी हूँ तो हूँ, लेकिन दुआओं का भिखारी। मुझे सिर्फ दुआ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो है शैतान,
शैतान भी रहते तो रहते हैं ना, एक तरफ अच्छे लोग रहते तो शैतान, ये 10 शैतान है। अगर मैं उनको हरामजादा कहता हूँ तो मुझे कोई कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं तो दुनियादारी करता हूँ, मैं दीन नहीं बात करता हूँ, मैं धर्म का बात नहीं करता हूँ, मैं तो दुनियादारी करता हूँ। आप मुझे माँ बहन के ऊपर से गाली दो और आपको ये लगे कि मैं सहन कर लूँ तो ये नामुमकिन है, मैं मर जाऊँगा। लेकिन मेरा इंसल्ट मैं जिंदगी में सहन नहीं करता हूँ, उसका बदला तो मैं लेता हूँ। आज मैंने काम से बदला ले लिया, 2-2.5 साल से जिस कब्रस्तान के ऊपर आपको लग रहा था कि आप मेरी सियासत खराब कर दोगे, अरे अल्लाह चला था, अल्लाह अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी थी, आज अल्लाह की मर्जी पूरी हो गई। आने वाले दिनों में लोग जो कह रहे हैं कि आज से कयामत तक ये जगह रहेगी और तब तक जितेंद्र और संजीव जायसवाल का नाम रहेगा, और तुम कितना भी गुमराह करो, तुम गिने चुने दस लोग जो कभी गैंगवार में थे, जो कभी मर्डर के आरोपी थे, जो कभी चरस गांजा में पकड़े गए थे, जिनके बाप ने 20,000 रुपये खाए इसलिए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, ऐसे जो 10 लोग, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां देता हूं और देता रहूंगा। मैं और किसी को भी जिंदगी में गाली नहीं देता हूं। मैं बड़ों को, बुजुर्गों को बुजुर्ग बुलाता हूं, उलमा को झुक के बात करता हूँ, अलीम सामने आएगा तो सर झुका के नज़र भी नहीं उठाता हूँ, ये मेरे दिल में उनकी चाहत और इज्जत है, वो कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन ये 10 जिन्होंने 2 साल मेरे पूरे फैमिली को परेशान करके रखा, व्हाट्सएप पे मेरी बदनामी की, दुनिया भर की बदनामी, मुझे दुख इसी बात का है कि कब्रस्तान में पैसा खाया, जिस जगह पे मेरे वालिद, चलो मैं भी हिंदू हूँ, मेरा वालिद तो गया ना कब्रस्तान में, कब्रस्तान में पैसा खाना, सोसाइटी का पैसा 20,000 रुपया चोरी करके खाने वाले की औलाद हमको बताएगी क्या? हमको बताएगी? और अगर मैंने उसको बोल दिया हरामजादे की औलाद, तो गलत क्या किया? मेरे बाप के ऊपर तो कभी चोरी का इंजाम नहीं है ना, जिसके ऊपर है वो समझ जाए, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। आज इसी जगह पर वसीम सैयद के ऊपर हमला किया गया, तो ये कितना सही है, क्या है ये पूरी? मेरे को उस पर बात ही नहीं करना है। देखो ऐसा है, कब्रस्तान अभी कोई कब्र जनाजा लेके आ रहा है और आप उसको रोकने जाओगे, तो अगर उसके बेटे ने मार ही दिया, मर्डर ही कर दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कोई लेना, मैं तो सब होने के बाद आया हूँ भाई देखने के लिए, क्या है मजबा, ठीक है ना, मैं व्यवस्था देखने आया हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कितना सही है हमला करना, कितना सही है मुझे नहीं मालूम कितना सही है गलत है, लेकिन टिट फॉर टैट रहता है ना कि तुम हरदम ऐसा करते रहोगे। मैं मार खाता गया, 2 साल में गालियाँ सुनता रह गया, आज जब कब्रस्तान बन गया तब मेरी आवाज़ निकली है, ये बात ध्यान में रखो, 2 साल में गालियाँ खाता रहा, मैंने आवाज़ नहीं निकाली मुँह से, तुम लोग क्या क्या बोले मुझे, तुम्हारा फेसबुक खोलो, तुमने मेरे माँ के ऊपर से गाली दी, मेरे लड़की को बुरा बुरा कहा, मेरे हर खानदान के हर आदमी को मैंने आपने बुला भला बुरा कहा, आप 10 लोग। मुमरा की आवाम जितेंद्र आवाड़ को चाहती है, और आज के कब्रस्तान के मसले के बाद तो मेरा प्यार और मेरी मोहब्बत बुमराह वालों के दिलों में दुगनी होती रहेगी जाएगी। जो आदमी इस कब्रस्तान पे आएगा वो आदमी मुझे दुआ देके ही यहाँ से जाएगा। आवाम के लिए क्या कहेंगे? आवाम को क्या है, आवाम को मुझे जो करना है उनकी सेवा में, अगर अल्लाह ने मुझे भेजा है, जरिया बनाया, तो मैं उनके पैर का पानी, पैर धोने तक कुछ भी काम करूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है कि यही मुमरा वालों ने मुझे जितेंद्र अवार्ड बनाया है, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आमदार जितेंद्र अवार्ड ने उन 10 लोगों का नाम तो नहीं बताया, मगर इतना जरूर कहा कि ये 10 लोग सिर्फ व्हाट्सएप पर खेल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आमदार ने कहा, आज शहर को कब्रस्तान मिल गया है, ये मुझे खुशी है, मगर दुख इस बात का हुआ कि मुझे कब्रस्तान का पैसा खाने का आरोप लगाया गया। वहीं आमदार ने कहा कि ये शहर मुझसे प्यार करता है, मगर ये 10 लोग जो मुझे बदनाम कर रहे थे, मगर अब मैंने शहर को कब्रस्तान दे दिया है, अब खामोश नहीं रहूँगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।